गाजर भीत रहा हूँ। गाजर का फल, गाजर का हलवा गाइड हो गया। काजू डालेंगे और बादाम डालेंगे। जल्दी काम है तो मुझे दे दी जाते हैं। अभी गल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। और आपका मन मेरे हाथ है। गाजर का हलवा बना रहे हैं कि बीरबल की खिचड़ी, पता नहीं पायलट बना के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजेस व्लॉग। आपका स्वागत है फिर से। आज हम लोग घर पर बैठे हुए थे थोड़ा, तो डिसाइड हुआ कि क्यों ना गाजर का हलवा बनाए। तो उसके लिए मार्केट से मैं 2 किलो गाजर ले आया था। उसका पीलिंग और क्लीनिंग प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा पाया। आगे की वीडियो में आप जुड़िए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है। आज लेकर बैठे हैं अजीत भाई गाजर का हलवा बनाने के लिए। गाजर घिस रहा हूँ। घिस के हाथ दर्द होने लगा मेरा। अच्छा, 2 किलो गाजर लाए थे। ओके, आप बनाएंगे या भाभी बनाएंगे? नहीं, मैडम बनाएंगी। अच्छा, तो मेरे को घुसने का काम दिया गया। अच्छा, ठंडी के टाइम पे इसे खाया जाता है ना? ठंडी के टाइम पे। तो ठंड का टाइम अभी चल रहा है, तो सब्र का फल मीठा होता है। गाजर का हलवा होता है। भाई फाइनली ये कंप्लीट हो गया। फाइनली प्रोसेस पूरा हुआ। हम हाथों का आराम मिला, छुट्टी मिली। चढ़ा लिए हम लोग ने कढ़ाई में। अब डाल रहे हैं गाजर ग्रेट की हुई। इतनी पूरा आ जाएगा? आ जाएगा। इसको ढक दिया गया है। ये धीरे धीरे पकेगा, इसमें तो पानी भी नहीं दोगा। तो देखना है मेरा टास्क ड्राई फ्रूट काटने का। लगते हैं इसमें हम लोग काजू डालेंगे और बादाम डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हो गया है। अजीत भाई अभी लगे हुए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इतना झंझटी काम है तो मुझे दे दिए जाते हैं। अच्छा। तो टाइम लगता है। काफी गल चुका है, लग रहा है ना? अभी गल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी इसमें तो पानी निकलेगा ढेर सारा। तो इस स्टेज पे इसमें हम लोग ऐड कर देंगे चीनी। चीनी कितनी पड़ेगी? अंदाज अनुसार। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि चीनी गल ना जाए। मैं इधर दूध गर्मा रहा हूँ, इसको देखे रहना, दूध ऊपर नहीं आया। चीनी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें पड़ेगा दूध। दूध में कितना डालूं बताओ? देखो बताना। इसको धीमा कर दो जरा गैस। पकड़ लो उसे, भारी हो गई है। और डाल दूं? तो गाइस इसमें अब मैंने दूध को ऐड कर दिया है। अब इसको मैं धीरे धीरे से पकाती रहूंगी जब तक दूध पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। तो अभी इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, आधा पौन घंटा, 1 घंटा कम से कम। ये खोया बन जाएगा ना दूध, पूरा खोया खोया टाइप का दिखने लगेगा सूख के। गाइस इसको आप टाइम टू टाइम पे चलाते रहिए, वरना ये नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। इसलिए आपको इसको चलाते हुए रहना है। कमान मेरे हाथ में, कमान आपके हाथों में है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। क्या राज बन जाएगा? गाजर का हलवा बना रहे हैं कि बीरबल की खिचड़ी, पता नहीं हो ही नहीं रहा है कुछ। अभी सूखा नहीं है ना पूरा। मैडम वाला गई, जहाज की कमान हमको देके चली गई है। भाभी कहाँ चले गए पता नहीं, मुझे पायलट बना गई। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अब काफी सूख चुका है दूध। अभी 30% और बचा है। 30% और 70% सूख चुका है। अब स्टेज पे यहाँ पे हम लोग मिला देंगे ड्राई फ्रूट्स। घी भी डाल देते हैं। बस। देख सकते हैं अब कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। प्लेट पहले से लेकर रखे हैं अजीत जी। थोड़ा दो टेस्ट करें। हाँ सही। अच्छा थोड़ा सा भी और सूख जाए तब। क्या डाल रहे भाभी इसमें? अब ये लास्ट में डालना है इलायची पाउडर। फाइनल स्टेज पे इलायची पाउडर मिलाएंगे हम लोग। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फाइनली गाइस बनके रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक बोल में निकाल लूंगी। तो फाइनली गाइस करते हैं अपने हलवे को टेस्ट, देखते हैं कैसा बना है, कैसा लग रहा है। वाह मज़ा आ गया। इलायची का फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत अच्छा। तो गाइस ये थी आज की हमारी मेकिंग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल AJ's ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए।